पेट भरेगा पर मन नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलू के पराठे की, जिसका नाम सुनते ही हम सब के मुँह में पानी आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रभा आज लेके आई हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आलू पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है 4 मीडियम साइज बॉयल्ड पोटैटो। मैंने 3 से 4 सीटी लेके इसे बॉयल किया है और इसे छील लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रेटेड अदरक, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, 1 ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड, 1 मीडियम साइज अनियन, इसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, देशी घी पराठे को सेकने के लिए, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं प्रेफर करती हूँ देशी घी बिकॉज इट्स हेल्दी फॉर हेल्थ। यहाँ मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट, यहाँ मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर, यहाँ लिया कुछ पिंच रेड चिली पाउडर की, धनिया पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए बहुत ही थोड़ा सा, और यहाँ मैंने लिया है जीरा, और हमें चाहिए बटर गार्निशिंग के लिए जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल। तो पराठे के लिए हम सबसे पहले डो बना के तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 बोल ऑफ गेहूं का आटा, 1.5 कटोरी। यहाँ ले रही हूँ मैं देशी घी मोहन के लिए, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ ले रही हूँ मैं सॉल्ट और पानी। तो सबसे पहले हम आटे में डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ घी या रिफाइंड, इससे हमारे पराठे काफ़ी खस्ता बनेंगे। और मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से भी कम नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने आटे में मोवन और नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डो लग के तैयार है। अब इस पे मैं घी के हाथ से ऊपर से लगा दूंगी चिकनाई, जिससे कि ये ऊपर से सूखे नहीं, और इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं आलू को मैश कर लूँगी। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हाथों का, आप चाहें तो स्पून से भी मैश कर सकते हैं। अगर आपके आलू ठंडे हो गए हैं तो उसको आपको ग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हल्का सा गर्म है अगर आलू तो ये हाथ से अच्छे से हम इसको इस तरीके से मसल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें आलू की कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें जाएगा हमारा अनियन। अनियन को हमेशा आप काटने से पहले उसको धुल लें। अगर आप काटने के बाद अनियन को धुलेंगे तो उसमें पानी रह जाएगा और आपकी स्टफिंग जो है वो गीली गीली हो जाएगी और पराठों से बाहर निकलने लगेगी। तो चलिए इसमें हम डालते हैं फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/2 अदरक, 1 ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ जाएगा मसालों में हमारा चाट मसाला, कॉमन सॉल्ट, जीरा और धनिया, चाट गरम मसाला और रेड चिली पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया। इसको हम अब मसल लेंगे अच्छी तरीके से एक बार थोड़ा सा। पहले हम आटे से गोलियां बना लेंगे, पेड़े काट लेते हैं। साई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ले रही हूँ इतने बड़े पेड़े। हम एक पेड़े को लेंगे, इसमें आटा इस तरीके से लगा लेंगे। इस तरीके से इसको हम गोल करते हुए उंगलियों की सहायता से बड़ा कर लेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। जितना आप आटे की लोई जितनी बड़ी ले रहे हैं उतना ही आप उसमें आलू की स्टफिंग फिल करेंगे इस तरीके से। अब हाथ में इस तरीके से आटा लगाते हुए इसको अंदर अंगूठे से अंदर आलू को प्रेस करेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे। उसको इस तरीके से दबा देंगे। मैं एक और लोई आपको बना के दिखाती हूँ। हमने लिया आटे की लोई, आटा लगाया,
इसको फिंगर्स की सहायता से, उंगलियों की सहायता से इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे किनारों को पतला करते हुए। इसमें हम फिल करेंगे आलू की स्टफिंग। आलू में स्टफिंग जब तक अच्छे से नहीं होगी तब तक आपके आलू में वो टेस्ट, पराठों में टेस्ट नहीं आएगा। फिर से हम आटा लगाते हुए अंगूठे से आलू को दबाएंगे और आटे को साइड से गोल करेंगे और इस तरीके से इसे हम बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम बारीक बाकी की लोइयों को भी इस तरीके से भर लेंगे। पराठा बेलने से पहले हम गैस ऑन कर देते हैं, तवा गर्म होने को रख देंगे हम। तो चलिए अब पराठे बेलना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक लोई लेंगे, आटा लगाएंगे और इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, करते हुए दबा लेंगे जिससे कि आलू पूरी तरीके से लोई में चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और आपके पराठे में आलू चारों तरफ बराबर हो। इस तरीके से अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। अब हम पराठों को बेलना स्टार्ट करते हैं। इसको हल्के हाथ से हम बेलेंगे। आलू के पराठे थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं, वरना उसके अंदर स्टफिंग आपको पता नहीं चलेगी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, फ्लेम हमने लो कर दिया है। तवे पे पराठा, फर्स्ट पराठा डालने से पहले उसको हम हल्का सा और से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा पराठा उस पर चिपके नहीं। अब हम ये पराठा अपना डालेंगे इस तवे पे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे गैस को। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। इस तरीके से इसको हाथ से प्रेस करेंगे। पराठा हमारा दूसरी तरफ से भी हल्का सिक चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पर मैं लगाऊंगी घी। मैं पराठा सेकने के लिए हमेशा घी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि रिफाइंड के कंपैरिजन में घी बहुत ही हेल्दी होता है। आप ऑयल लगाने के लिए, घी लगाने के लिए आप चम्मच का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अब इसको हम बराबर ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लेंगे। फ्लेम लो कर देंगे जब आपको लगे कि गैस, तवा ज्यादा गर्म हो चुका है हमारा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पराठा बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है। पराठे को हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए हम सेकेंगे। फ्लेम ऑफ कर देंगे, पराठा हमारा सिक चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा आलू का टेस्टी पराठा बनके तैयार है। मैंने इसके ऊपर डाला है बटर जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है और पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पे पराठे के साथ यूज़ किया है नमकीन दही, जिसमें मैंने डाला है नमक, लाल पिसी मिर्च, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर। और बहुत लोगों को मीठी दही के साथ पसंद होता है तो मैंने यहाँ पे दही में ऐड किया है शुगर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आलू पराठे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।